नमस्कार, मैं रिया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हुई थी शास्त्रीय संगीत की प्रथम रिकॉर्डिंग। माना जाता है कि 29 जून 1888 को शास्त्रीय संगीत की प्रथम रिकॉर्डिंग की गई थी। शास्त्रीय गायन ध्वनि प्रधान होता है, शब्द प्रधान नहीं। इसमें ध्वनि को महत्व दिया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और उससे पहले सामवेद के गायन तक जाती है। नाट्य शास्त्र को भारतीय संगीत के इतिहास का प्रथम लिखित प्रमाण माना जाता है। नाट्य शास्त्र के बाद मतंग मुनि की बृहदेशी और शारंग देव रचित संगीत रत्नाकर ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 12वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखे 7 अध्यायों वाले इस ग्रंथ में संगीत और नृत्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून 1893 को भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म बंगाल में हुआ था। उन्हें विशेष रूप से महालनोबिस दूरी के कारण जाना जाता है, जो उनके द्वारा सुझाई गई एक सांख्यिकी माप है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की थी। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में महालनोबिस के योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 29 जून को हर वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में आम जनता को जागरूक किया जा सके। आज के दिन लॉन्च हुआ था दुनिया का सबसे पहला आईफोन। दुनिया का सबसे पहला आईफोन 29 जून 2007 को लॉन्च किया गया था। इसे खुद एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने पेश किया था। पहला आईफोन भारत में लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इसे केवल अमेरिका में ही पेश किया गया था। एप्पल का अगला स्मार्टफोन आईफोन 3G था, जिसे 2008 में पेश किया गया था। इसमें समय के साथ चलने के लिए 3G सपोर्ट दिया गया था। यही वो पहला आईफोन था जिसे भारत में लॉन्च किया गया था। इसके बाद आईफोन 3GS 2009 में आया। इसमें पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया था और कैमरे को अपग्रेड किया गया था। लंदन में आज के दिन ही शुरू हुआ था डेली टेलीग्राफ का प्रकाशन। लंदन में 29 जून 1855 को डेली टेलीग्राफ समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। डेली टेलीग्राफ की शुरुआत ऑथर बिस्लिग ने की थी, जिसे बाद में जोसेफ मोसेस लेवी ने खरीद लिया था। वर्ष 2017 की एक रिसर्च के अनुसार डेली टेलीग्राफ समाचार पत्र की हर दिन लगभग 4,77,000 प्रतियां बिकती हैं। डेली टेलीग्राफ के प्रिंट और डिजिटल दोनों वर्गों के पाठकों को मिलाकर इसकी पाठक संख्या 8.9 मिलियन के करीब पहुंच जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।